हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड, आज का वीडियो है जो बार बार हमारे जो कह लो कि मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो नन्हे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज कुछ 8 से लेकर 12-15 साल तक है, बार बार ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जो हम पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करें कि वो हमें पपी लेकर दें। वैसे फ्रेंड्स, अगर एज ए फादर मैं सभी पेरेंट्स से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेट के जो एज ए फादर मैं समझता हूं कि जब हमारे बच्चे कोई चीज़ की जिद करते हैं तो हमें वो सारा नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ता है कि क्या चीज़ उनके लिए बेटर रहेगी कि नहीं रहेगी। मोस्टली एक मोटा मोटा आइडिया दूं कि क्या होता है पेरेंट्स के माइंड में। एक बच्चा पपी ले तो लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो उसकी टेक केयर नहीं कर पाएगा और फिर हमें संभालना पड़ेगा, और हमारा लाइफ स्टाइल इतना बिजी है कि वो हम नहीं टेक केयर कर पाएंगे, वो फिर वो छोटे बच्चे के साथ अनजस्टेड होगा। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि कहीं पपी से कोई बीमारी ना मेरे बच्चे को हो, इन्फेक्शन ना हो, एलर्जिक ना हो, कोई सूट करे या पपी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमारा डॉगी, हमारा बच्चा फिर पढ़ेगा नहीं, वो डॉगी के साथ ही खेलता रहेगा, वो अपना कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएगा अपने स्टडी के ऊपर या जो भी वो अभी राइट नाउ उसका पर्टिकुलरली जो भी उसका स्टडी चल रहा है या उसका जो भी हिसाब से उसका टेक केयर, वो शायद उतनी बेटर नहीं कर पाएंगे। थर्ड, कभी लोग ये कहते हैं हमारा घर छोटा है, हम डॉगी लेंगे तो उसको संभालेंगे कैसे, वॉक देनी पड़ेगी उल्टा। ये सब जो 4-5 मेरे माइंड में पॉइंट है ये मैंने आपके साथ क्लियर किया, और भी इसके अलावा हो सकते हैं। ये है पेरेंट्स की साइड। अभी मैं बताता हूँ बच्चों की साइड क्या होती है। माय फ्रेंड, बच्चे एक हमेशा अपने लिए, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, जैसे कह लो कि जनरेशन गैप है ना, वो चीज़ बहुत हद तक सच है। बच्चे हमेशा एक ऐसा अपना साथी बनाना चाहते हैं, जब वो होना चाहते हैं कि जिन पर वो अपने हिसाब से पालें संभालें, उनको नेचर आदतें दें, राइट, इसलिए वो है। दूसरा, उनका जो स्ट्रेस होता है स्टडी का या कोई रीज़न हो तो वो भी उनको बहुत, पेट अगर घर में हो तो वो स्ट्रेस रिलीव करता हूँ। तीसरा, उनके अगर फ्रेंड सर्कल में किसी के पास डॉग है तो उनको ये लगता है कि मेरे पास वो चीज़ है नहीं और वो चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, शायद उससे मेरी लाइफ और बेटर होगी। थर्ड, बहुत सारे ये होते हैं कि अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि मैं क्या कुछ जिम्मेवारी उठा सकता हूँ घर की, क्योंकि हर एक को जैसे कहा जाता है कि फादर इज़ अ हेड ऑफ फैमिली है ना, तो हर को लगता है कि यार मैं भी एक ऐसा एग्जांपल सेट करूं अपने पेरेंट्स के आगे कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं भी जिम्मेवारी के साथ घर का कोई काम कर सकता हूं। तो ये कुछ साइडें हैं जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर की हैं, अक्सर ईमेल्स मेरे को करते रहते हैं, कमेंट में भी सेक्शन आता है, तो पेरेंट्स से भी मैंने सुझाव मांगे थे, उन्होंने भी मेरे को दिए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेम ऐसा ही है कि अभी कुछ समय पहले मेरे कुछ फ्रेंड आए थे तो मैंने उनसे भी पूछा, वो दोनों फादर हैं, उनके बच्चे हैं छोटे, तो मैंने बोला कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद। लेकिन फ्रेंड, जो मैं अभी पॉइंट कहना चाहता हूँ, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी। मेरे घर में भी मेरा भी बच्चा है 8 साल का, मेरे घर में भी पेट हैं, बट मैं फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे डॉग से हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। अगर भगवान ना करे ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो उसके बहुत सारे प्रिकॉशन हैं कि वैसे डिसइनफेक्ट तो करना ही चाहिए, आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है वो, जब बाहर से आओ या डॉग के साथ खेल कर आओ तो वो चीज़ करना चाहिए। पेट हमेशा आपके डॉग को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे। आजकल का क्या, मोस्टली आप देख रहे हो कि बच्चे फ़ोन टीवी पर लगे रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है, तो अगर पेट होगा तो वो बिजी रहेंगे। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जो मेरा मैं वो पॉइंट पकड़ रहा हूँ जो मेरे को उन ईमेल्स या कमेंट में से अच्छे लगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में जब या बच्चों को देखो कि वो कितनी अपने डॉग को खाने का टाइम याद रखते हैं, हम भूल जाते हैं उसको, मम्मी आज संडे है बात करवाना है, ये चीज़ें होती हैं जो अपने वो एक पेट के प्रति माना, तो कल फ्यूचर में अगर वो उसके पास गाड़ी होगी बाइक होगा तो उसको भी उतनी टेक केयर करेगा। आपका भगवान करे बिजनेस हो, आपका कोई कारोबार हो, तो फिर बच्चा वहीं से पिक चीज़ें करता है, वो अपने एक दिन आपके बिजनेस को भी संभालेगा और बहुत आगे तक लेकर जाएगा वो आपके, चाहे कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, एक हमारे आजकल हम
एक अजीब सी दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं अगर अपने एग्जांपल हूँ कि मेरे बच्चे की ग्रेड ए आई या प्लस नहीं आया या 80% आए 90% नहीं आए, तो वो हमारे बच्चों को बहुत ही रिलीफ देते हैं अगर हम उनका पेट रखते हैं, वो थोड़ा सा उनके साथ बातें करते हैं, चाहे हमारे सामने करें या हमसे चुप कर करें, थोड़ा अपने आप का जो अंदर की कह लो कि प्यार है या थोड़ी सी अगर गुस्सा है तो वो उसके उसके साथ बातें कर कर वो शेयर कर लेंगे, हार्ट ओपन करना चाहिए, तो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है उनका पेट होता है। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, रिक्वेस्ट है मेरी सारे पेरेंट्सों से, तीन कैटेगरी के डॉग होते हैं। अगर आपके पास छोटा घर है, बड़ा डॉग ना लीजिए, जरूरी नहीं है, छोटा डॉग लीजिए, मीडियम कैटेगरी का डॉग लीजिए, बड़ा घर है तो बड़ा डॉग लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को स्किल जो है ना उनको बढ़ने दीजिए। ये जो अब जब उनका माइंड फ्रेश होगा तो वो जो उसका टारगेट है, जो भी आप जिस भी लाइन में उसको फ्यूचर में देख रहे हो, तो उससे वो बेटर ही जाएगा। तो हमेशा ये पॉजिटिविटी, मेरे ख्याल पॉजिटिविटी आपके घर में लाते हैं। दूसरा और बात जो मैंने शो फील किया, अगर आपके बहुत सारे काम है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मेरा काम इतना बने, ये हो जाए वो हो जाए, अगर आपके घर में पेट है, यू आर रियली डॉग लवर या पेट लवर हो माय फ्रेंड, तो आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। अगर मैं अपने पंजाब की बात करूं, हमारे यहां तो डॉग को दरवेश का दर्जा दिया गया है, भैरव जी की सवारी माना गया है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो दे आर वेरी वेल सेटल, बट सुबह वो जब भी अपने ऑफिस या अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं तो सुबह अपने डॉग का बर्तन धोते हैं, उसको खाना देकर खिलाकर फिर निकलते हैं, ताकि दिन उनका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत सारे एंगल्स हैं, नेगेटिविटी दूर करते हैं, और कहीं कहीं आप अगर आप मानोगे तो बहुत सारे ये कहा गया कि भगवान ना करे हमारी फैमिली के ऊपर कोई आपदा नहीं हो, तो ये बेचारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, पैट ज़रूर रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खासकर आजकल के समय में जो इस समय सिचुएशन चल रहा है। तो वो जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड डॉग हो, स्ट्रेट डॉग कोई भी डॉग लीजिए जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, जो आपके बच्चे को पसंद हो। बाकी रही बात माय फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब हम किसी के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर कर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, देखिए बहुत सारे आजकल देखा कि मेरे पापा मेरे पर विश्वास नहीं करते, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो वी गिव देम फॉर, ये भैया आपको दे दिया, अब आप कर कर दिखाओ। लेकिन उसके सारी गाइडलाइंस बताइए, नीरस अच्छे आपके वेटनरी डॉक्टर हैं उनके साथ टच में रहिए, कोई अच्छे ब्रीडर हैं उनके साथ टच में रहिए, लेकिन ये पॉजिटिव वेव्स घर में जरूर लाइए, और बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड। चलिए अभी उनकी बात सुनाते हैं, आपको सुनकर बहुत कंफर्टेबल होगा। चलो मैं तो क्या कहता हूँ कि गरेवाल सर तो हमेशा कहते रहते हैं, वो बात अलग है। मैं आपको एक सिंपल, मेरे दो फ्रेंड मिलने आए मेरे को शॉप पर, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी वीडियो देखते हैं। थैंक यू। एक ना बार बार जो हमारे नन्हे सब्सक्राइबर हैं, एज कुछ 8 से लेकर 12 साल या उससे भी कम या उससे थोड़ी ज़्यादा, वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए हम वीडियो में डॉग लवर हूँ लेकिन पापा या मम्मी नहीं है, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। आज हमारे पास ये 2% मैरिड है, तो सर आप बताइए, अगर मान लीजिए आपका बच्चा कह रहा है कि आप, जैसे आपने कहा आप डॉग लवर नहीं हो, लेकिन बच्चा कहेगा डॉग लेने के लिए, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन है कि आप ना क्यों कहोगे? नो, देखो ना कहने के दो रीजन है, एक तो फाइनेंशियल है, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, बच्चे को देना चाहते हो कोई टॉय, तो टॉय अगर दे दोगे सिंपल खरीद के बाजार से इलेक्ट्रॉनिक, बच्चा उसके साथ खेलेगा बैठ जाएगा। आज हम बच्चे को एक बैट भी ले देते हैं, खेलने जाएगा, बच्चा खेलेगा नहीं खेलेगा, दूसरा खेलने वाला नहीं, इससे ये है कि अगर इसको घुमाने सुबह लेके जाओगे, कम से कम आपके बच्चे की, हो सकता है आप खुद मेरे जैसे थोड़े बल्कि हो, आपकी खुद सैर हो जाए, आपकी वाइफ, एक आपको जॉगिंग की आदत भी पड़ जाएगी अगर डॉग रख रहे हो। अगर दूसरी आप प्रॉब्लम आती है कि कई लोग हेट करते हैं कि इनसे स्मेल आती है या खाने में आपके मुंह मारे, उनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल करो कि डॉग ने खाना कहाँ खाना है, पर्टिकुलर उसको एक स्पेस दे दो भी डॉग ने यहाँ पे खाना खाना है, ट्रेन कर दो उसको। बाकी शैम्पू आते हैं, सारा कुछ आता है, उसको हाइजीन रखोगे, वो तो हम खुद नहीं दो दिन आए तो हमें बास आएगी। बिल्कुल, तो इसलिए हाइजीन तो रखोगे, सब कुछ सही रहेगा। हाँ, बच्चों को पेट ये रखते हैं मेरे ब्रदर, बाकी ये बताएंगे आपको कि कैसे इनको रखना चाहिए। बच्चों से क्या आपको क्या लगता है? मैं तो सर यही सोचता हूँ कि जैसे बच्चे हमारे घर पे भी बच्चे होते हैं, बच्चे और पपी छोटे सेम है, वो एक फ्रेंड बन जाते हैं, उनमें एक इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है ना, अगर आपके बच्चे को कोई स्ट्रेंजर या सेकंड पर्सन टच भी करेगा तो आपके बच्चे की वो रखवाली करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। बाकी पर्टिकुलर शेड्यूल था क्या, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो पेट को लेके, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि मैं अपने पेट को लेके जा रहा हूँ, आप पेट को खाना दो, एक प्रॉपर उसका शेड्यूल बनाओ, उसको एक अलग जगह पे खाना दो, साथ में ना आए, खाना खाने के बाद उसको लेके जाओ, बच्चे भी खुश। जैसे मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ तो मुझे ये बड़ी दिक्कत आती है कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, पबजी खेल ली, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। अगर आपके घर में पेट होगा तो बच्चा आपका मोस्टली
एक डे में कितना टाइम स्पेंड करेगा पेट के साथ, 2-3-4-5-6 घंटे स्पेंड करेगा, तो वो आपके लिए कितना फ़ायदा है उस चीज़ का। एक तो आपके बच्चे की एक्टिविटी होगी, पेट की एक्टिविटी, आपका बच्चा उसको, मैं जैसे स्कूल में जॉब करता हूँ आर्मी इंस्टीट्यूशन में, तो मैंने देखा कई बच्चों की आई साइट बहुत वीक होती है, बच्चे दौड़ नहीं पाते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, स्टेमिना नहीं होता बेसिकली। तो अगर आप अपने बच्चे को ये बोलो कि मैं तुम्हें एक तुम्हारा अच्छा फ्रेंड लेके दे रहा हूँ, पेट लेके दे रहा हूँ, तुमने उसके साथ इस तरह से शेड्यूल करना है, बच्चे को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ, और आपका बच्चा भी खुश, आपका पेट भी खुश, और आप भी खुश, और रिस्पॉन्सिबल भी बच्चे बनते हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी, खाना देना है, घुमाने लेकर जाना है। यस, मैं एक्चुअली कनाडा में भी रहा हूँ, तो अभी मैं 8 मंथ हुए मुझे कनाडा से आए हुए, तो मैंने वहाँ पे जो चीज़ देखी है कि जो फॉरनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाते हैं, उनके पास भी पेट्स हैं, ज़्यादा पेट्स हैं, घर में 2-2-3-3 पेट्स हैं, तो वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ देते हैं कि आप बच्चे इनको लेके जाओ, घुमाओ, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका टास्क है, मैनेज, आप भी अपने बच्चों को इस तरह से टास्क दो, तो आपके बच्चे एक हेल्दी लाइफ इन्जॉय करेंगे, और ये पेरेंट्स भी खुश होंगे उस चीज़ को लेके, और बच्चे भी इन्जॉय करेंगे, वो वीडियो गेम्स कंप्यूटर से दूर रहेंगे। थैंक यू सर, ये बच्चों फिर आपने समझा कि इनके पापा जी को डॉग पसंद नहीं, लेकिन अभी तक 2.5 साल से है ना, तो इनका आपने बताई दिया कि ये डॉग लवर नहीं है, लेकिन बच्चे और इनके मिसेज हैं भाभी जी, और ये तो पूरी फैमिली डॉग लवर है फैन। बट माय फ्रेंड प्लीज, डॉग जरूर आपके साथ होना चाहिए, पेट आपके घर में, जो मेन इन्होंने बात कही कि अगर आपको रख रखाव साफ संभाई का ध्यान है, तो सर ने बता दिया कि उन चीज़ों का समाधान कैसे करना है, और जो बात कही कि रिस्पॉन्सिबल बनाने की, गेमिंग से बच्चों को दूर रखने की, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपका एक बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।